सब्सक्राइब कीजिए रॉय नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रॉय नॉलेज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सब बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के ऊपर और साथ ही साथ हम लोग सब प्रिडिक्ट करने वाले हैं सर्वाइवर ऑफ टाइटेनिक शिप पे। और इसमें हम लोग सब जानेंगे कि क्या होता है मशीन लर्निंग और साथ ही साथ हम लोग सब इसका इम्पैक्ट जानने वाले हैं, फ्यूचर में क्या पड़ने वाला है मशीन लर्निंग का इम्पैक्ट। टाइटेनिक शिप जो है वो 12 बजे के आसपास आइसबर्ग से टकराया था और तकरीबन 2:30 बजे रात को ये पूरी तरह से शिप डूब गया था सी में और इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इसमें हमारे जैक और रोज़ की भी जान गई थी एज पर मूवी। इस वीडियो के अंत तक आप जान लेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी थी जैक की मरने की और बचने की, या फिर रोज़ की मरने की या बचने की। ये तो फिल्मी है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग सब रियल पैसेंजर के डेटा के ऊपर काम करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उनका प्रिडिक्शन किस तरह से हम लोग सब निकाल सकते हैं कि वो सर्वाइव किए या नहीं किए। वैसे भी ये लड़का था और ये लड़की, तो ऑब्वियस सी बात है बचने की चांसेस किसकी होती है, हमेशा लड़की की। लड़का हर एक चीज़ में डूबता ही है बस। चलिए अब बात करते हैं क्या है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक फील्ड है स्टडी का जिसमें हम कंप्यूटर को एक एबिलिटी दे देते हैं लर्न करने की विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब ज़्यादा प्रोग्रामिंग किए बिना हम मशीन को एक एबिलिटी दे देते हैं कि वो खुद से आगे चल के लर्न करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद से काम करने लगेगा। ये डेफिनेशन दिया गया था ऑथर सैमुअल द्वारा और ये डेफिनेशन था 1959 में। चलिए थोड़ा सा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है भाई, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ठीक है वो लर्न करता है फ्रॉम एक्सपीरियंस ई ठीक है विद रेस्पेक्ट टू सम टास्क, जो उसको टास्क दिया जाता है टी, एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी, और उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस है ऑन टी, जो टास्क टी पे है और उसको मेज़र किया जाता है बाई पी। पी क्या है, हमारा परफॉर्मेंस है भाई, और वो इम्प्रूव करते जाता है खुद में विथ एक्सपीरियंस ई ठीक है। और ये हमारे टॉम भाई साहब ने 1997 में ये डेफिनेशन दिया था। आते हैं भाई ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मशीन लर्निंग। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सब प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारे पास है और उस पर हम लोग सब डिस्कशन करके, बहुत डिस्कशन करने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के बाद उससे हम लोग सब उस पर एक रूल बनाते हैं ठीक है। और उस रूल को फिर हम लोग सब इवेल्युएट करते हैं। अगर हम उस इवेल्यूशन से खुश हैं तो हम लोग सब उसको लॉन्च कर देते हैं, अगर खुश नहीं है ठीक है तो हम लोग सब उस एरर को एनालाइज करते हैं और फिर से हम लोग सब स्टडी करते हैं प्रॉब्लम को और फिर से वही सेम प्रोसीजर, फिर से रूल चेंज करते हैं और रूल नया डाल सकते हैं उसमें और फिर से इवेल्युएशन में जाते हैं और अगर हम खुश हैं तो हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। टाइटेनिक शिप जो डूबा था उस पर हम लोग सब अप्लाई करने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है भाई, कि जिसमें जो हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो क्या होता है, उसका जो सॉल्यूशन में जो होता है वो सारा चीज़ लेबल्ड होता है। वो जो सारा इंस्टेंस होता है, वो जितना भी इंस्टेंस हमारे पास होता है वो क्या होता है, लेबल्ड होता है। और उस लेबल्ड डेटा से हम लोग सब क्या, न्यू इंस्टेंस का जो लेबलिंग है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जनरली हमारे पास दो टाइप के रिग्रेशन मॉडल है ठीक है। एक हो गया हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एक हमारे पास हो गया लीनियर रिग्रेशन। भाई लीनियर रिग्रेशन सभी कोई को पता है, ये सिंपल सा क्या लीनियर ग्राफ है ठीक है। हम लोग सब सारे जो इंस्टेंसेस हैं उसको प्लॉट कर लेते हैं भाई और प्लॉट करने के बाद एक जो परफेक्टली फिट लाइन होता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमको न्यू इंस्टेंस कहीं पर भी, अगर डेटा, अगर हमारा न्यू डेटा यहाँ पर आ रहा है सपोज, तो हम लोग सब इससे डिजायर्ड वैल्यू तक पहुँच सकते हैं, समझे बात को। ये हुआ हमारा लीनियर रिग्रेशन। बट लीनियर रिग्रेशन हम लोग सब यहाँ पर जो टाइटेनिक शिप जो डूबा था उसमें प्रिडिक्शन करने पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर्वाइवल और नॉन सर्वाइवल का कंडीशन है, दैट मीन्स 0 और 1। तो यहाँ पर हम लोग सब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करने वाले हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है भाई, कि हम लोग सब सारे डेटा को प्लॉट कर लेते हैं ठीक है। सपोज़ कीजिए ये सारे डेटा जो है, ये सारे डेटा जो है ये आपका यस इंस्टेंस को शो कर रहे हैं कि हाँ वो बच गया, और ये सारे डेटा जो है ये शो कर रहे हैं कि ये नहीं बचा आदमी भाई। तो हम इसको एक लाइन से ठीक है सेपरेट कर सकते हैं और इसी को हम लोग सब बोलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और यहाँ पे हम लोग सब जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने वाले हैं, मॉडल बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं पाइथन पे भाई। पाइथन का क्यों यूज़ कर रहे हैं, पाइथन में बहुत सारा लाइब्रेरीज होती है और इन ये सारी लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग सब बस उस लाइब्रेरी को कॉल करना है और उस लाइब्रेरी में का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग सब अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। लाइब्रेरीज क्या होती है भाई, अगर सोचिए कि हमें कोई काम करना है, सपोज़ कीजिए हमें कपड़ा पहनना है ठीक है,
तो अगर हमें बहुत अच्छे से तैयार होना है तो हम लोग सब क्या करेंगे भाई, अपना कवर्ड में से कपड़ा निकालना शुरू करेंगे। तो वही काम है यहाँ पर पाइथन करेगा। पाइथन के पास बहुत सारी इस तरह से दराज है, वो सारे में से कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन को लेगा और हमें एक पर बहुत बढ़िया सा सेट बना करके दे देगा। समझ गए बात को? ये सेम है जैसे हम लोग सब तैयार होते हैं, ऊपर से शर्ट ले लिए, नीचे से पैंट ले लिए, यहाँ से सॉक्स ले लिए, यहाँ से जूता ले लिए, ठीक है। और हम लोग सब कहाँ पे रिफ़र किए? रिफ़र किए बस ये ड्रॉवर्स में, और ये ड्रॉवर्स एक तरह का लाइब्रेरी है बस। अब लाइब्रेरी का यूज़ करने से क्या होगा कि हम लोग सब जैसे पहले ग्राफ ऑटोमेटिकली वो सर्च करेगा कुछ, हाँ ये ऐसे हम लोग का अलग अलग डेटा है, फिर उसके बाद फिर और क्लोज और क्लोज और क्लोज डेटा के पास आते जाएगा और ऐसा वैल्यू पे आएगा जहाँ पे हाई बायस और हाई वेरियंस ना हो। अब लाइब्रेरी का यूज़ करने से हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास जो ग्राफ बन के आएगा वो ना ही तो हाई बायस होगा, ठीक है, और ना ही हाई वेरियंस में होगा। समझे बात को? आते हैं भाई हमारे पास किस तरह का डेटा अवेलेबल है। डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो कुछ इस तरह से है कि वो पैसेंजर का सीरियल नंबर दिया हुआ है, सर्वाइव्ड वो बचा है कि नहीं बचा है, वो किस क्लास में ट्रेवल कर रहा था, उसका नाम दिया गया है, उसका सेक्स दिया गया है, उसका एज दिया गया है, उसका सिप SP दिया गया है, उसका पर्स दिया गया है, उसका टिकट नंबर दिया गया है, उसने कितना फेयर दिया था वो दिया गया है, उसका कैबिन नंबर दिया गया है, कैब बहुत इसमें तो बहुत सारे डेटा मिसिंग है, और इम्बार्क दिया गया है कि वो किस तरह से इम्बार्क थे, ठीक है। और हमारे पास जो टेस्ट डेटा है वो कुछ इस तरह से, इस पर हमको टेस्टिंग करना है। इसमें देखिए, इसमें हमारा पैसेंजर का सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पे नहीं बताया गया है कि इसको लेबल नहीं किया गया है कि वो सर्वाइव हुआ कि नहीं हुआ। हमको इन्हीं सारे पैसेंजर का फाइंड आउट करना है कि वो सर्वाइव हुए कि नहीं हुए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग सबका काम है कि हम लोग सब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, वही दराज को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग सब इंपोर्ट करेंगे पांडास, नमपाई, मैट प्लॉटलिब और सीबॉन, ठीक है। और इन सभी को देखने के लिए मैट प्लॉटलिब इन लाइन को है ना एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग सब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग हमारा प्रोग्राम में ये सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो हम इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर दिए भाई। अब हमारा काम क्या है कि हमारे पास जो CSV में, जो हमारे पास जो ये एक्सेल सीट में, ये जो हमारे पास डेटा दिया गया है इसको इंपोर्ट करना है भाई, किस में? हमको प्रोग्रामिंग में, पाइथन में। तो हम लोग सब क्या करेंगे भाई, ट्रेन इक्वल्स टू PD डॉट रीड CSV, ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है कोड टू एक्सपोर्ट एनीथिंग। तो हम CSV फाइल टू इंपोर्ट CSV फाइल, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग सब देखेंगे हेड क्या है, ट्रेन मतलब जो डेटा है हमारे पास उसका हेड क्या हो रहा है भाई। तो हमारे पास वही हेड है, देखिए सबसे पहले पैसेंजर आईडी, पैसेंजर आईडी जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, पहले ये 1 2, और उसमें से फिर पहला जो है उसमें सर्वाइव नहीं किया था, पैसेंजर क्लास क्या था, उसका नाम क्या था, वो किस सेक्स से बिलोंग करता है, ये सारे चीज़ हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसको आप इस तरह से करके देख भी सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा में हमारा क्या काम है कि हम लोग सब डेटा एनालिसिस करना, ठीक है, और मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करना। तो मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे जो SNS है, क्या है SNS? SNS हमारा सीबॉर्न है, ये हमारा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग सब डेटा विजुअलाइज करेंगे और हम लोग सब हीट मैप के जरिए पता करेंगे कि क्या हमारे पास कौन सा, किस में सबसे ज़्यादा डेटा मिसिंग है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग सब पाएंगे कि एज में है क्या हमारे पास कुछ डेटा मिसिंग, ठीक है, और कैबिन में हमारे पास बहुत सारा डेटा मिसिंग है और बाकी सब में कोई डेटा मिसिंग नहीं है। तो हम लोग सब देख पा रहे हैं कि अराउंड 20% जो डेटा है वो एज में मिसिंग है और ये कुछ ज़्यादा नहीं है और इसको हम लोग सब भर सकते हैं, ठीक है। ये जो कैबिन है इसमें बहुत सारा डेटा मिसिंग है तो इसको हम लोग सब बाद में हटा देंगे, इसको इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए फिर से एक बार हम लोग सब सीबॉर्न का यूज़ करके, काउंट प्लॉट का यूज़ करके हम लोग सब पता करते हैं कि कितने लोग सर्वाइव्ड हुए। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग सबको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पर जो सर्वाइवल है, ठीक है, 1 मीन्स सर्वाइव और 0 मीन्स जो सर्वाइव नहीं हुए, ठीक है। और ये काउंट प्लॉट है, ये देखिए कितना अच्छा से विजुलाइज कर दिया बस एक शिफ्ट इंटर के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग सब सेक्स के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास कितने लोग बच रहे हैं और कितने लोग मर गए वो देखते हैं। हमारे पास जब देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ, जब हम इसको एग्जीक्यूट किए तो हम लोग सब ये देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ जो सर्वाइव्ड हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव्ड हुए हैं वो क्या हुए हैं भाई, फीमेल, और सबसे कम जो मरने वाली है वो फीमेल है, ठीक है। तो भाई जैक भाई साहब को बचना इम्पॉसिबल ही था। अब हम लोगों ने देख लिया कि सेक्स के अकॉर्डिंग कितने लोग बचे, अब हम लोग सब क्लास के भी अकॉर्डिंग जान लेते हैं। तो क्लास के अकॉर्डिंग अगर हमें डेटा को देखना है तो हम लोग सब देखते हैं, तो हम लोग सब ये पा रहे हैं कि जो
चलिए, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो फर्स्ट क्लास के जो पैसेंजर थे वो सबसे ज़्यादा बचे हैं, और सबसे ज़्यादा मरने वाले कौन से पैसेंजर थे? थर्ड क्लास वाले जैक भाई। बहुत मुश्किल, वो ऊपर से जैक भाई साहब लड़की के चक्कर में भी थे। अब हम लोग सब डिस्क प्लॉट निकाल के देखते हैं भाई सीबॉन्ड की हेल्प से कि किस तरह से हम लोग सबका एज का डिस्ट्रीब्यूशन था, और एज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से थे। दैट मीन्स हमारे पास जो यंग मेंबर थे वो बहुत ज़्यादा टाइटेनिक शिप में ट्रैवल कर रहे थे, मेन जो जिसमें हम लोग सब मशीन लर्निंग करने वाले हैं। मशीन लर्निंग करने के लिए हमारे पास सबसे पहला चीज़ है क्या ज़रूरी? डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग के लिए हम लोग सब सबसे पहले हमारे पास क्या था, एज में 20% डेटा मिसिंग था। तो हम लोग सब एज के लिए सबसे पहले हम लोग सब बॉक्स प्लॉट तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेंजर क्लास में। हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं किस पैसेंजर क्लास का किस तरह से एज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमारे पास आसानी होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए। जब हम लोग सब इस बॉक्स प्लॉट को देखते हैं तो हम लोग सब फाइंड आउट करते हैं कि जो पैसेंजर वन क्लास के थे उनका एवरेज एज अराउंड 30 और 40 के बीच में था। जो सेकेंड क्लास के पैसेंजर थे उनका एवरेज एज तो जो था वो 20 और 30 के बीच में था, और जो थर्ड क्लास के जो पैसेंजर थे वो बहुत ज़्यादा यंग थे, और वो मैं कह सकता हूँ कि 20 और 25 के बीच में था। तो हम लोग सब क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन को बनाने के बाद उसमें क्या कर देते हैं भाई कि जो पैसेंजर जो डेटा हमारे पास जो मिसिंग है, एज जो मिसिंग है, उसमें हम लोग सब क्या कर देते हैं कि जो पैसेंजर क्लास वन से बिलोंग करते हैं उनका एवरेज एज मतलब उनको फीड कर देते हैं 37 एज है उनका, और जो पैसेंजर टू से हैं उनका 29, और जो बच जाते हैं उनको 24। ठीक है, एक हम लोग सब फंक्शन को क्रिएट कर देते हैं। ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोग सब क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब क्या, फिर से हम लोग सब हीट मैप देखते हैं। हीट मैप देखेंगे तो हमारे पास अब एज में कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सब क्या करते हैं भाई, जो कैबिन है इसमें बहुत सारा डेटा मिसिंग है, इसको हम लोग सब क्या करते हैं भाई, हटा देते हैं। हटा दिए, ठीक है। अब हटाने के बाद हम लोग सब क्या करते हैं, इसका हेड देख लेते हैं भाई। ठीक है, अब हेड देख रहे हैं सेम चीज़। ठीक है, ये हमारा पैसेंजर आईडी सर्वाइव्ड, पैसेंजर क्लास, नेम, सेक्स, एज, ठीक है, सिप एसपी, ये सारी चीज़ हमारे पास हैं। और जो जितने भी डेटा हमारे पास थे उसको हम लोग ने या तो उसमें वैल्यू डाल दिया या तो हमने रिप्लेस कर दिया। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर छूट गया है तो उसको हम लोग सब इससे ख़त्म कर देते हैं भाई, एकदम पूरा ख़त्म हो जाओ जितना भी आने वाला है, क्योंकि नल फंक्शन क्या करेगा, हमारे सिस्टम में एम्बिग्यूटी पैदा करेगा और रन नहीं होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि भाई जो सबसे पहला चीज़ जो कैटेगोरिकल फंक्शन है, जैसे हमारा नाम हो गया, ये नाम हो गया, मेल हो गया, ठीक है, टिकट हो गया, ये सारे क्या है, कैटेगोरिकल डेटा। तो कैटेगोरिकल डेटा के को फीड करने के बाद उसके बाद फिर उस पर मशीन लर्निंग करने पे हमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, और वो काम भी नहीं करेगा। तो हम इसको हम लोग सब क्या करेंगे, पांडास के जरिए ये सारे को डमीज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन्फो में आप लोग सब देख लीजिए, इन्फो में देखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा। देखिए, हमारा पैसेंजर आईडी ठीक है, सर्वाइव वाला फंक्शन ठीक है, पैसेंजर क्लास भी इंट है, उसके बाद नाम जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे जो डेटा है ऑब्जेक्ट वाले, ये सारे को हम लोग को चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग सब क्या करेंगे भाई, हम लोग सब डमी क्रिएट करेंगे। किसके लिए भाई, सेक्स के लिए और इम्बार्क के लिए। ठीक है, डमीज क्रिएट करते हैं भाई, और उसके बाद फिर हम लोग सब क्या करेंगे, जो सेक्स है, इम्बार्क है, ठीक है, नेम से, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्या उस बंदे का कोई नाम क्या था, और टिकट का नंबर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि हमारे सिस्टम में कि वो बचा कि नहीं बचा। तो हम लोग सब इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सब क्या करेंगे, जो हमारे पास जो डेटा जो अब बच रहा है उसको कॉन्कैट करेंगे, दैट मीन्स कंबाइंड करेंगे ट्रेन, सेक्स, इम्बार्क। जो हम लोग सब यहाँ पर जो ट्रेन डेटा जो अब बचा, यहाँ पर जो हम लोग सब रिप्लेस कर दिए थे उसको कॉन्कैट करेंगे किससे, सेक्स और इम्बार्क जो यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, इसको अब हम लोग सब हेड को चेक करते हैं। तो हम लोग को देखिए देखिए कितना अच्छा से डेटा क्लीन होकर के हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा बना। ये बहुत सारे डेटा हैं, बस यहाँ पर टॉप 4-5 को दिखा रहा है ये। अब मेन आते हैं मेन मशीन लर्निंग पे, और हम लोग को बनाना क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। तो हम लोग सब सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, किसको, एस के लर्न मॉडल सेलेक्शन को, और इसमें हम लोग सब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा भाई, हम लोग सबको अब फंक्शन को चेंज करना होगा किसमें, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट पे। ठीक है, हमारे इसको अगर हम लोग सब इंटर करेंगे तो हमारे पास ये इंस्टेंस को बना दिया। अब हम लोग सब क्या करेंगे भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो हमारे लाइब्रेरी में ऑलरेडी इंक्लूड है उसको याद करके बुलाएंगे, आ जाओ भाई आ जाओ, और फिर उसको फिट कराएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एनिमेशन के द्वारा दिखाया कि वो ऑटोमेटिकली फिट करता है, तो हम लोग इसको फिट कराएंगे किसमें, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में। ठीक है, और ये थोड़ा सा बहुत वार्निंग आया है, ठीक है, ये चलता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग सब प्रिडिक्शन मॉडल में जाएंगे। ठीक है, प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है,
और प्रेडिक्ट करने के बाद फिर हम लोग सब, अब हमारा प्रिडिक्शन हो गया है तो हम लोग सब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, अब हमारे पास जो किस तरह का प्रिडिक्शन आया है उसका वैल्यू को चेक करते हैं जब हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रिसीजन अराउंड क्या जीरो को, अगर जो मर गए हैं उनका अगर प्रिसीजन देखें तो हमारे पास कुछ 80% के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये 80% के आसपास आ रहा है। रिकॉल हमारे पास 91% का है। F1 स्कोर हमारे पास 0.85 का है। ये आप परसेंट में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे एक्यूरेसी में आते हैं। यहाँ पे 80% का हमारे पास एक्यूरेसी दे रहा है, बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, नॉट बैड। आप इसको ट्राई कर सकते हैं बाय ग्रैबिंग द टाइटल डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, ये सब लगा करके फीचर और बहुत सारे फीचर्स को बना करके। यू कैन ऑल्सो ट्राई विथ टिकट नंबर। और इससे क्या होगा कि हमारा एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ेगा। ये छोटा सा मैंने इसलिए प्रोग्रामिंग किया कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए मशीन लर्निंग के ऊपर, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम लोग सब मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। हमें डेटा विजुअलाइजेशन से ही पता चल गया था जैक, क्योंकि हमारा थर्ड क्लास पैसेंजर था तो उसके बचने की चांसेस बिल्कुल ना थी। और जो कि हमारी रोज़ थी वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर थी, ऊपर से हमारी फीमेल कैंड ऊपर से वो एक फीमेल थी, तो उनकी बचने की चांसेस बहुत ज़्यादा थी। जो भी कोई फिल्म बनाते हैं वो बहुत सारे रिसर्च करते हैं, इसी तरह से उन्होंने रिसर्च किया और एक परफेक्ट फिल्म हमारे सामने स्क्रीन पर लाया। और उन्होंने उस फिल्म को लाखों लोगों ने बहुत पसंद किया। विदाउट रिसर्च एवरीथिंग इज़ फ्लॉप। मशीन लर्निंग के जरिए ब्रेन क्लोनिंग का बहुत बड़े आसार हैं न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए। पहले न्यूरल नेटवर्क को अप्लाई करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। क्यों इम्पॉसिबल था भाई? क्योंकि हमारे पास उतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी। हमारे जितने भी मैथमेटिकल चीज़ें थी, फॉर्मेशन था, वो सारे बहुत ही एक डेकेड पहले ही उस पर काम किया जा चुका है। बट अब ये धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है। क्यों अप्लाई हो रहा है भाई? क्योंकि हमारे पास मशीन्स आने लगी हैं धीरे धीरे। और पहले हमारे पास 1 GB रैम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस लगता था, आज से 10 साल पहले कि मैं बात कर रहा हूँ। और अब देखिए हमारे मोबाइल में आती है 12 GB की रैम। धीरे धीरे हम लोग सब कंप्यूटेशनल पावर बढ़ा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि कुछ आने वाले सालों में हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जाए जिसमें हम लोग सब ब्रेन क्लोनिंग हो पाए। ब्रेन क्लोनिंग क्या होती है भाई? न्यूरल नेटवर्क्स, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स होती हैं और वो न्यूरल नेटवर्क्स को अगर एक्टिवेट करना है तो हमें बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। अरबों की संख्या में हमारे पास न्यूरल नेटवर्क होती है हमारी एक छोटी सी ब्रेन में, उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। एक्टिवेट करने के लिए हमारे को कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। और आप जैसा कि जानते हैं, और मैं क्या बोलूँ, हम लोग सब जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि नेटफ्लिक्स, वो सारी चीज़ हम क्या कर रही हैं कि वो हम पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई कर रही हैं और उनका आउटपुट प्रिडिक्शन धीरे 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 करके एक्यूरेसी लेवल बढ़ा रही है। वो जैसे जैसे एक्यूरेसी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा कोई भी सिस्टम पे, जैसे आप लोगों ने देखा कि एक टाइटेनिक शिप के डूबने पे मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोग्रामिंग नहीं लिखा, बहुत छोटा सा प्रोग्रामिंग था और हमारे पास 80% एक्यूरेसी आ गई। तो सोचिए अगर धीरे धीरे एक सिस्टम ऐसा बन जाए जो हमारे ब्रेन की तरह काम कर सके और वो 80% आपको रिप्लीकेट कर सके। वैसे एक ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कम मात्रा में एक्टिव रहता है, अराउंड हम लोग सब परफॉर्मेंस करते हैं अराउंड 50% या उससे भी कम। अब बट सोचिए कि एक ऐसा सिस्टम रोबोट आ जाए जो 80% 90% एक्यूरेसी जस्ट लाइक यू काम करेगा, तो क्या होगा? हमारे पास वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और कौन वर्क एफिशिएंसी बढ़ा रहा है भाई? मशीन। तो वो किसको रिप्लेस करेगा? आपको। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो आपकी नौकरी खाएगा। लेकिन इससे इससे पहले क्या होगा? इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे बहुत सारी ओपनिंग आएगी, बहुत सारी ओपनिंग। और ये ओपनिंग किसकी जॉब खाएगी भाई? जो नॉर्मल डेवलपर है या फिर छोटे मोटी जॉब करते हैं उन सबों का नौकरी खाएगा। ऑटोमेशन बहुत सारी नौकरियाँ खा रहा है। आशा करता हूँ कि आपको इस छोटे से वीडियो में आपको एक ओवरव्यू मिला होगा क्या होता है मशीन लर्निंग, किस तरह से हम किसी भी चीज़ का वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और आपको टाइटेनिक जहाज जो डूबे उनका जो सर्वाइवल है और नॉन सर्वाइवल है उनका डेटा अगर चाहिए तो आप kaggle.com पे जा करके डेटा को देख सकते हैं। वैसे मैं ये सारी चीज़ों को एक PDF बना करके और कोड को पाइथन प्रोग्राम बना करके PY पे अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। आप अगर यहाँ तक जुड़े हुए हैं इस वीडियो के साथ तो आपको ये वीडियो बेशक बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक बटन ज़रूर से ठोक देना। और साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना इस चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, बहुत सारी रिसर्च किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।